सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों की। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। ये वीडियो एकदम ट्यूटोरियल होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैं ये आर्ट बनाता हूं और उसे बनाने के कुछ टेक्निक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया था, तो किसी गड़बड़ी के कारण ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ईयर का जो एरिया है ये पूरा वर्टिकल है, तो मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं एक एंगल में जो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, बेसिकली जो लाइन तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ बोल सकते एक तरह से, जो हेलमेट का जो लाइन है। अभी तो पूरा ये रफ स्केच होने वाला है, लेकिन इसमें मैं थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पर कौन सी चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ऊपर का जो हेड है वो थोड़ा सा कर्व है, यानी कि मुझे सर्कल टाइप में कुछ बनाना पड़ेगा। इसी तरह से मैं आइस के एरिया को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। जब मैं इसमें डिटेल्स ऐड करूँगा, जब मैं इसमें शेडिंग करूँगा तो वो किस टाइप से होगी। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, ये वाला तो बिल्कुल ख़राब हो गया था क्योंकि मैं ठीक से शेडिंग नहीं कर पाया था इसमें। लेकिन ये वाला जो जिसमें शेडिंग हुई है ना, ये वाली शेडिंग ही इसमें भी अप्लाई करूँगा, लेकिन थोड़ी सी रियलिस्टिक तरीके से। अभी तो मैं इसका पूरा रफ आउटलाइन तैयार कर रहा हूँ एक तरह से, कहाँ पर इसके बॉडी होंगे, बॉडी पार्ट सारे इसके ड्रॉ करने के बाद, रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद फिर इसमें हम डिटेलिंग को ऐड करेंगे। इस तरह से काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम लैप्स में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में ज़्यादा बोरियत फील ना हो। अब जो मेरा ये पूरा रफ स्केच तैयार हो गया है, अब इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें जो लाइंस विजिबल है उसको मैं और ज़्यादा सॉलिड बनाने की कोशिश करूँगा। रफ स्केच बनाने के बाद पूरा आइडिया हो जाता है हमारा कहाँ पर गलती हुआ है। अगर गलती है तो हम उसको सुधार सकते हैं इसे, मतलब देख देख कर रेफरेंस इमेज के ज़रिए हम इसे सुधार सकते हैं, इसलिए हम रफ स्केच को ऐसे बना देते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर लाइन्स को बोल्ड कर लेता हूँ, वैसे मैं इसमें उसके बाद मैं इसमें डिटेलिंग्स को ऐड करूँगा। अब मैं किस टाइप्स के डिटेलिंग्स को ऐड करूँगा, बेसिकली किस टाइप्स की शेडिंग मैं करूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइंग बना रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने एप्पल की इमेज बनाई है, जो एप्पल का स्केच बनाया है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश किया था, जिसमें क्रॉस हैचिंग का यूज़ किया हुआ है। क्रॉस हैचिंग मतलब कि यहाँ पर कुछ हम लाइनें खींच देते हैं तो इसको हैचिंग कहते हैं, लेकिन जब इस लाइनों के ऊपर दूसरी वर्टिकल या इसके कुछ डिफरेंट एंगल पर खींच देते हैं तो इसको क्रॉस हैचिंग बोलते हैं। और इसी तरह से मैंने लेयर बाय लेयर इसके ऊपर जो एप्पल का स्केच मैंने बनाया है इसके ऊपर यही क्रॉस हैचिंग अप्लाई किया है। यहाँ पर मैंने रियलिस्टिक स्फीयर बनाने की कोशिश की है, जो कि क्रॉस हैचिंग नहीं है, इसको नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, बस प्रेशर अप्लाई किया हुआ है और थोड़ा सा राउंडिंग मेथड का यूज़ किया हुआ है, जिसमें छोटे छोटे सर्कल्स टाइप से बनाते हैं जिससे हमारा जो शेडिंग है वो पूरा एकदम सॉलिड स्फीयर जैसा दिखाई देता है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तीसरी इमेज में आप देख सकते हो कि ये एक हाथ का स्केच है, जिसमें मैंने हर टाइप की टेक्निक को यूज़ किया हुआ है। इसमें बेसिकली क्रॉस हैचिंग भी है, राउंडिंग मेथड भी है। इसमें बेसिकली जैसा मैं स्केच बनाता हूँ अपने स्केच में, वो इसी टाइप से मैं सारे स्केचेस बनाता हूँ। अब इसमें मैं डिटेलिंग्स को कैसे ऐड करता हूँ, तो इसमें कुछ चंक्स बनाता हूँ, मतलब कि कुछ छोटे छोटे टुकड़े बनाता हूँ जैसे कि इस तरह से, एंड इसको मैं हैच कर देता हूँ। तो जैसे ही हैचिंग कंप्लीट, फिर उसके नीचे भी मैं एक टुकड़ा बनाता हूँ जिसको फिर से हैच कर देता हूँ। हैच का मतलब फिर से इसको मतलब लाइनिंग ड्रॉ कर देता हूँ, उसमें फिर से हैचिंग कर देता हूँ। अब ये कंप्लीट होने के बाद इनके जंक्शन पॉइंट जो होते हैं इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। और यही सब छोटे छोटे टेक्निक्स को यूज़ करके मैंने ये पूरा हाथ बनाया हुआ है। इसकी मैं बात करूंगा आगे वीडियो में। मैंने अपने रिसेंटली स्केच में जो गोकू का स्केच बनाया था उसमें ये टेक्निक्स का यूज़ किया था, जिसमें बेसिकली क्रॉस हैचिंग ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा सा एरिया डार्क वगैरह कर दिया हूँ। वापस आते हैं अपने रिसेंट स्केच पर जो कि मैं बना रहा हूँ अभी। अगर आप इस रेफरेंस इमेजेस में देखोगे तो जो ये हेड के ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर ये थोड़ा सा डार्क है, डार्क से नीचे आ रहा है।
आप जब भी पेन से शेडिंग करते होंगे तो कुछ इस टाइप से करते होंगे। मैं भी इसी टाइप से करूंगा, लेकिन कुछ लेयर में करूंगा इसको। यहाँ पर मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लेता हूँ। अब इसको क्रॉस हैचिंग करने के लिए इसमें वर्टिकल लाइन भी ऐड कर दे रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर डार्क एरिया हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से इसमें भी हैचिंग अप्लाई करूँगा और इसी तरह से मैं शेडिंग इसमें भी करूँगा। अब इसको शेडिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हुए नीचे रिलीज करते जाना है। तो पेन को ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना है यहाँ पर बेसिकली। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि कैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऊपर के एरियाज जो है वो डार्क होते जा रहे हैं और नीचे के एरियाज जो है वो मतलब हल्का शेडिंग हो रहा है, मतलब कि लाइट शेडिंग हो रही है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आप अपने पेन से शेडिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो ऊपर का जो एरिया है वो लाइट शेडिंग में जा रहा है और नीचे का जो एरिया है वो डार्क शेडिंग है। तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी, मुझे डार्क एरिया से शुरू करके लाइट एरिया की तरफ मुझे हैचिंग करनी है, ठीक है। अब ये करने के बाद अगर आप आइज़ को देखोगे, तो अगर मैं रेफरेंस इमेज देखूँ तो इसमें आई जो है वो दिख ही नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल भी पूरा एकदम डार्क है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको जितना ज़्यादा प्रेशर हो सके मैं उतना अप्लाई करके इसको डार्क बना दूँगा, ये सारा एरिया जो है वो डार्क हो जाएंगे। अब यहाँ अगर आप आई के ऊपर वाला पोर्शन देखोगे तो यहाँ पर कुछ उभरा हुआ सा है, उसे ड्रॉ करने के लिए मुझे नीचे का पार्ट जो है उसे डार्क करना पड़ेगा और ऊपर का पार्ट जो है वो मुझे लाइट सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर डार्क शेडिंग कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप अगर रेफरेंस इमेज में देखो तो ये जो हेलमेट का एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा एरिया है, मतलब इन सब के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एरिया है। तो मैं इसको सीधा सीधा पूरा वर्टिकली लाइन से ड्रॉ करूँगा, जैसा कि मैंने बताया था कि हैचिंग करनी है। मेरा डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली होगा, मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर डार्क होगा और नीचे हल्का होता जाएगा, मतलब लाइट होती जाएगी। आप देख सकते हो कि कैसे मैं यहाँ पर जो लाइन्स है जो उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि ये प्रॉपर शेडिंग प्रॉपर बढ़िया दिखे एक तरह से। समझ जाओ यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं इसको फिर से दोहराऊंगा ताकि ऊपर का एरिया है जो वो ज़्यादा डार्क होने लगे और नीचे का एरिया जो है वो थोड़ा लाइट रहे ऊपर के मुकाबले। अब इस मुकुट का जो ये वाला पार्ट है इसको मैं ज़्यादा डार्क कर दूंगा क्योंकि रेफरेंस में वो ज़्यादा डार्क है। अब ये जो ऊपर का पार्ट है वो थोड़ा सा मेटेलिक है, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो मेटेलिक है, तो इसको मेटेलिक देने के लिए मैं साइड से इसको डार्क कर दूंगा और बीच में थोड़ा सा हाईलाइट के लिए मैं उसे छोड़ दूँ। और इसमें भी मैं वही टेक्निक यानी कि क्रॉस हैचिंग का यूज़ कर रहा हूँ। अब आप देखोगे कि इस हेलमेट के ये वाला जो पार्ट है इसमें ये कैसे बना हुआ है, मतलब कि ऊपर का एक जैसे छतों पर रेलिंग नहीं रहती है उस टाइप से, तो इसको कैसे बनाएंगे कि ऊपर का जो एरिया है उसको पूरा खाली छोड़ देंगे और नीचे जो बीच में है उसको हम डार्क शेडिंग करेंगे और उसके भी जो नीचे एक पतली सी लाइन होगी और उसको भी हम छोड़ देंगे, उसको हम शेड नहीं करेंगे, केवल बीच वाले एरिया को ही हम शेड करेंगे। साइड से मैं डार्क कर रहा हूँ तो बीच में अपने आप ही यह चीज़ वो लाइट शेडिंग हो जा रही है। ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर टॉप पर देखोगे तो यहाँ पर जो पंख टाइप कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन आपको क्या रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको ड्रॉ करते जाना है और जैसे जैसे रेफरेंस में दिया है वैसे वैसे वहाँ पर डार्क और जहाँ जहाँ पर लाइट है वहाँ पर आपको लाइट सेटिंग करनी है, ठीक है, बस कंप्लीट। और इतना सब होने के बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यादातर लोग भूल जाते होंगे क्योंकि हमारा ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद भी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लाइनिंग हमने बनाई है या जो शेडिंग हमने की है इसको और ज़्यादा हमें डार्क करना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद हमारा फाइनल आउटपुट आता है ये।
मतलब इसका पूरा ड्राइंग बनाकर मैं शॉर्ट ही अपलोड करूँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके आप मेरे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।